मोदी शिक्षण नीति ने लेने देशवासियों ने संबोधन करी रहा छे। सीधा जईशु त्यां देश के मुख्यमंत्रियों से तमाम समय समय पर संवाद और जनप्रतिनिधि से लेकर के जो पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं उसके व्यापक विश्लेषण के बाद जो ये अमृत निकल करके प्रधानमंत्री जी ये हमारे सामने आया है। मैं ये समझता हूं कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहा है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप, इस रास्ते से भी होकर के आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के इन उन नीति पर वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है, बार 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 आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार सहित बार बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा।
साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है, आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है। देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित है। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विस्तृत विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था।
स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। शिक्षकों पर जोर दिया जाए, इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई। ऊंच